A zoo. we have all visited zoo once in our lifetime. and when we go to this zoo, we have seen different kinds of animals. hannah, we have seen all different types of animals. now here the poet is also introducing or making us aware about different types of animals. okay, the poet, uh, carolyn wells, she is describing about different animals, the characteristics of different animals, different wild animals. ओके okay. तो आज वो हम लोग वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि वो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन सी है एंड वॉट आर द फीचर्स ऑफ दो वाइल्ड एनिमल्स ओके सो यू कैन ओपन योर टेक्स बुक टू पेज नंबर पेज नंबर फोर्टी थ्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ओके डू हैव अ पेन एंड अ पेंसिल विथ यू pen or a pencil so that you can write we will be discussing about the figure of speeches and all make sure that you have that pencil with you

सेकेंड जो पोएम था अबाउट द टाइगर इन जू उसके अंदर सिर्फ टाइगर के बारे में हमने लर्न किया था उसके दो टाइप ऑफ फीचर्स थे एक जो जू के अंदर कैद है वो वाला और सेम टाइगर हु इज आउटसाइड है ना दोनों का फीचर्स अलग अलग हो जाता है ठीक है इट इज दो इट इज द सेम टाइगर अब यहाँ पे हम लोग वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लर्न करेंगे इफ यू एवर शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स

सो वेन दट पोएट इज टेलिंग दैट इफ यू हैव एवर है चांस टू गो टू द जंगल्स ऑफ द ईस्ट दैट इज ईस्ट यानी कंट्रीज ऑफ एशिया एशियन कंट्रीज जो है या एशिया कॉन्टिनेंट है वो ईस्ट में है तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट में जो कंट्रीज है वो कंट्री के जंगल्स में अगर आप जाओगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया या चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया ये सब कंट्रीज कहाँ पर ईस्ट में तो ये कंट्रीज जो ईस्ट में है उसके जंगलों में आप जाओगे तो क्या होगा शुड टू यू एडवांस वहां पे आप एक एक पर्सन का सामना करोगे यू विल कम अक्रॉस वन एनिमल एनिमल इज दैट अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट तो यहाँ पे टॉनी का मतलब क्या होता है टॉनी मीन्स येल्लो ब्राउन इन कलर वो कलर को आइडेंटिफाई किया है वो कलर का एक दूसरा वर्ड दिया है सो वॉट इज टॉनी it is yellow brown okay and you will come across what kind of an animal a large and tawny beast yani ek aisa bada beast ke samne aap aaoge now iske samne to aa gaye ab kya hai if he roars at you agar wo aapke aap pe Uh, क्या कहते हैं इफ ही इज रोरिंग एट यू आपने उसको देखा उसने आपको देखा उसके बाद वो roar कर रहा है और आपको ऐसा लगता है एस यू आर डाइंग इट सीम्स दैट यू आर गोइंग टू डाई अबाउट टू डाई कभी कभी वो गरजते इतने जोर से है कि हमारे हार्ट बीट्स ये हो जाता है ठीक है बढ़ जाती है या हमको ऐसा लगता है कि अरे डर लगता है ठीक है सो दैट काइंड ऑफ इफ यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई एंड हाउ वेन विल यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई वेन दैट लार्ज बीस इज अबाउट इज रोरिंग एट यू

ईस्ट जंगल्स ऑफ द ईस्ट तो जंगल्स ऑफ द ईस्ट का मतलब क्या हो गया एशिया के ठीक है कंट्रीज ऑफ एशिया एशिया के जंगल्स uh, के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे टॉनी का मतलब आपको पता चल गया ये कलर है इसका तो दैट इज वॉट इज द कलर मैंने आपको बताया ब्राउन येलो ब्राउन एनिमल ऑफ द ये लायन का कलर वैसा होता है येलो ब्राउन तो वो और यहाँ पे एशियन लायन तो उसका मतलब आपको पता चल गया कि ये एशिया के लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एशियन लाइंस हम लोग यहाँ पे कहाँ पे है इट इज इन फाउंड इन गुजरात है ना तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट सो द फर्स्ट एनिमल विच वन इट इज अबाउट द लाइन ठीक है समझ में आया नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसा इफ समाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीच ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येल्लो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन अब यहां पर क्या बता रहे ये सेकेंड स्टांसर के अंदर सेकेंड एनिमल को आपको इंट्रोड्यूस किया है नाउ द सेकेंड एनिमल इज द टाइगर नाउ वॉट इज द पोयर टेलिंग अगर आपको जब टाइम मिले इफ और समाइम वेन यू आर गेटिंग सम टाइम वेन यू आर रोमिंग अराउंड रोमिंग इन द नियर बाई एरिया जब आपके घर के बाहर आप इधर उधर आप रोम करते हो तो आप किसके सामना करोगे यू विल कम अक्रॉस अ नोबल वाइल्ड बीट्स और वो क्या करेगा आपको ग्रीट करेगा ग्रीट्स यू तो ये जो नोबल का मतलब क्या होता है रॉयल नोबल वर्ड इज यूज फॉर रॉयल पीपल किंग किंगशिप जो होता है उनके लिए यूज किया जाता है रॉयल पीपल के लिए तो आप समझो यहाँ पे टाइगर को कैसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स किया उनको क्या फीचर बताया ही नोबल नोबल है, है यानी एक रॉयल है और वो एक वाइल्ड बीस्ट भी है ठीक है वाइल्ड भी है साथ साथ में वैसा बताया और वो क्या करेगा आप ऐसे घूमते रहते हो तो ये नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको क्या करेगा ग्रीट करेगा ग्रीट कौन करता है Usually हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं राइट right? तो यहाँ पे ये नोबल वाइल्ड जो है वो आपको करेगा करेगा या वेलकम ठीक है ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड यानी यहाँ पे येलो ग्राउंड का मतलब क्या है ये जो टाइगर है टाइगर का बैकग्राउंड के बारे में बता है जो स्किन है ठीक है टाइगर का स्किन का कलर क्या है येलो और उसपे क्या है ब्लैक स्ट्रिप्स है ठीक है तो वो ब्लैक स्ट्रिप्स के बारे में बताया तो येलो येलो ब्लैक स्ट्रिप्स यानी यहां पे उसका स्किन का कलर टाइगर का स्किन का कलर कैसा है इट इज येलो ओके एंड दैट इज वाई इट इज सेड येलो ग्राउंड यहां पे येलो ग्राउंड का मतलब है टाइगर का स्किन का कलर और टाइगर का स्किन का कलर क्या है येलो और उस पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है ओके okay? so it is having black color strips. now now just notice if he नोटिस you ईटो क्या करना है you have to notice आपको नोटिस notice करना है आपको ध्यान देना है कि वो अगर आपको खाने आता है इफ ईट यू आप खड़े हो और आपको वो खाने आता है इफ is गोइंग टू ईट यू वॉट रिमेंबर दिस सिंपल रूल ये एक सिंपल रूल है और ये आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए क्या हेल्प करेगा लर्न करने के लिए कि ये कौन सा एनिमल है इट इज द बंगाल टाइगर ये बंगाल टाइगर है ठीक है अब ये बंगाल टाइगर भी कहाँ पे आया है एशिया में राइट right? तो आप एशिया के जंगल में घूम रहे हो तो आप किसके सामने पहला करोगे लायन ठीक है तो आप वेस्ट के साइड से पहले आते हो तो पहले गुजरात आया तो गुजरात में आपने एशियाटिक लाइन आपने देख लिया फिर आप बंगाल की तरफ जाओगे रोम करते करते तो वहां पे आपको कौन देखने को मिलेगा आपको बंगाल टाइगर अब डिसन का मतलब क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किसको आइडेंटिफाई करोगे बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेंगाल टाइगर को के वो एक नोबल है नोबल वाइल्ड बीस्ट है और वो आपको क्या करेगा ग्रीट करेगा और ग्रीट करने के साथ साथ आप क्या देखोगे उसका जो स्किन है वो येलो होगा और उसपे ब्लैक स्ट्रिप्स होगा एंड इफ ही इज गोइंग टू ईट यू तो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा यू विल हैव टू टू स्टे देयर देन ओनली यू विल कम नो वेदर द टाइगर इज गोइंग टू ईट यू और जब वो आपको ईट करने आएगा इफ ही इज गोइंग टू ईट यू दैट मीन्स वॉट विल हैपन डरस्टैंड के दिस इज द बेंगोल टाइगर और यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज देंगोल टाइगर ओके और नोबल वाइल्ड बीच का मतलब नोबल मैंने बताया ना नोबल का मतलब क्या होता है रॉयल ठीक है एक रॉयल है वो और साथ में ऐसा बताया कि वो एक वाइल्ड बीच भी है पर वो आपको क्या कर रहा है ग्रीट कर रहा है ग्रीट करना मतलब वेलकम करना या उसको ऐसा बोलते है कि ठीक uh, है आप आ सकते हो आ, कैसे हो ग्रीट करना है ग्रीट कैन बी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीट करना डिसन डिसन का मतलब मैंने बताया ना आइडेंटिफाई यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये सारे फीचर्स है उस एनिमल में इसका मतलब ये क्या कौन सा एनिमल है दिस इज द बेंगाल टाइगर समझ में आ गया फर्स्ट फर्स्ट एंड में में ऐसा ऐसा नहीं नहीं बोला कि कि वो आप पे खाने को आएगा जो वाला था उसके अंदर बताया बताया वाले क्या करता ंगोल टाइगर इज गोइंग टू ईट देन यू कैन रियलाइज एंड अंडरस्टैंड बेंगोल टाइगर ओके नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन

यहाँ पे और आगे स्ट्रॉलिंग का मतलब कैशुअली आप चल के आगे जाओगे कैशुअल वॉकिंग आराम से ऐसे ही चल के जा रहे हो ठीक है फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड अगर आप आराम से चल के आगे जाते हो तो आप व्हाट यू विल कम अक्रॉस यू विल कम अक्रॉस अ बीस्ट ओके विच बीस्ट उसके बारे में डिस्क्राइब किया है हुड हाइड हाइड का मतलब क्या होता है स्किन स्किन ऑफ एन एनिमल इज नोन एज हाइड तो हाइड With spots is peppered. Spots is peppered. Peppered का मतलब क्या होता है ऐसे छाटना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग पेंटिंग में हम लोग एक ब्रश लेते हैं ब्रश लेके उसके अंदर अगर कोई कलर्स को डिप करने के बाद हम लोग अगर ब्रश को हाथों से ऐसे करेंगे तो क्या होगा स्प्रे की तरह सब जगह गिरता है ठीक है तो ये जो बीस्ट है ये बीस पे क्या है उसका जो स्किन कलर स्किन है स्किन पे क्या है भगवान ने स्प्रे किया है कैसे पेपर्ड यानी हम लोग पेपर मिंट यू मे बी यूजिंग पेपर ठीक है तो पेपर करते क्या होता है हर जगह पे डॉट 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 गिर जाता है तो वैसे ही ये जो एनिमल है उस पर स्पॉट्स गिरे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हर जगह पे गिरे सो दैट इज एक्सप्लेन यू आर पेपरिंग इट ब्लैक स्पॉट्स दैट आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ लेपर्ड इज सेट हिया एस ही हैज लेफ्ट ऑन यू क्या करेगा ये आप पे क्या मरेगा लीप करेगा लेफ्ट का स्पेलिंग यहाँ पे क्या है एल ई ए पी टी ठीक है पर यहां पर क्या दिया एल ई पी टी ऐसा दिया है ना इफ यू आई टेल अबाउट दिस लेटर बी एज सुन एज ही हैजन यू वो आप पे क्या करेगा जम्प करेगा यान यू uh, जैसे ही आपको देखेगा ही इज गोइंग टू पाउंड ऑन यू जंप ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड आपको पता चल जाएगा ये क्या है इट इज दैपर्ड ये कौन सा एनिमल है आप खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाते हो आवाज करते हो वो आपको कोई तरह का हेल्प करने वाला नहीं है इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर इन पेन ऑल्सो एंड इफ यू रोर लाउडली आप बहुत जोर से चीखते हो चिल्लाते हो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू वाई इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज ही विल यानी यहाँ पे लेपर्ड क्या करेगा लेप लेप again, वो जंप करता ही रहेगा वो स्टॉप नहीं हो जाएगा यूशली हम लोग ऐसा जोर से चिल्लाते हैं तो सामने वाला एनिमल क्या होता है डर के भाग जाता है या रुक जाता है पर लेपर्ड वैसा नहीं है लेपर्ड क्या करेगा ही इज गोइंग टू जम्प ऑन यू इफ यू आर गोइंग टू अगेंस्ट क्रीम और मेक नॉइस ही इज गोइंग टू जम्प ऑन यू ठीक है अब यहाँ पे भी लेप का जो वर्ड है एल ई पी एल ई पी नहीं है स्पेलिंग इसमें यहाँ पे एल ई -E ए पी लीप आता है ठीक है नाउ हियर द पोएट हैज यूज द पोएटिक लाइसेंस पोएट के पास कैसा लाइसेंस है पोएटिक लाइसेंस अब ये पोएटिक लाइसेंस से क्या हो सकता है हर पोएट उस वो अगर स्पेलिंग्स को चेंज करना चाहता है ना तो वो चेंज कर सकता है ही कैन चेंज द स्पेलिंग्स नाउ इफ यू सी हियर ये जो लेफ्ट एल ई -E पी टी था एक्चुअल में इसका स्पेलिंग क्या है एल ई ए पी टी तो पोएट ने क्या कर दिया वहां पे ए जो था उसको निकाल दिया सिर्फ रख दिया एल ई पी टी तो हम लोग हम लोग यानी जो पोएट है वो पोएट के पास वो लाइसेंस है और वो लाइसेंस के कारण वो स्पेलिंग्स को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है समझ में आया इसलिए यहां पे भी ई पी -E और ई पी -E दो बार यूज किया है सही में क्या है एल ई ए क्या किया वो पोइटिक लाइसेंस के कारण उन्होंने वो ए को निकाल दिया अब क्यों निकाला क्योंकि उनको वो राइमिंग करना था लेप लेप लेपर्ड के साथ भी वो राइम हो जाता लीप लेपर्ड ठीक है इसलिए उन्होंने उनके पास कौन सा लाइसेंस है पोएटिक पोएटिक लाइसेंस तो वो पोएटिक लाइसेंस से हम लोग ऐसा स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं ओके गॉट इट अंडरस्टूड सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द थर्ड उसके ऊपर क्या है स्पॉट्स है ब्लैक स्पॉट्स है ये बीस्ट है जैसे ही वो आपको देखेगा ही इज गोइंग टू जम्प ऑन यू एंड इफ यू आर गोइंग टू शाउट It is not going to help you. If you are going to scream, it is not going to help you. He is again going to jump on you. He is not going to stop. Now let's move to the next one. The next one. If when you are walking around your will, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you don't have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Now, what does this fourth one mean? आपके यार्ड में ठीक है आपका जो कैजुअली आपने पहले थोड़ा रोम करके आए, फिर कैजुअली आप वॉक कर रहे थे और आपके खुद के यार्ड में यानी आपके खुद के एरिया में आपका जो जगह है उस एरिया में अगर आप वहां पे चल के जा रहे हो तो आप एक क्रिएचर को मिलोगे यू विल कम अ क्रिएचर अब ये क्रिएचर क्या करेगा हु वेरी वेरी हार्ड वो आपको क्या करेगा हग करेगा ओके okay? ही इज गोइंग टू हग यू बी श्योर अगर वो एनिमल ने आपको हक किया दीन्स बी श्योर आप आग बंद करके विश्वास कर सकते हो ये क्या है इट इज अट इज अगर हक करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो बैर नहीं आपको कोई भी डाउट है तो वो क्या करेगा ही इज गोइंग टू ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस कैरस का मतलब क्या होता है एक जेंटल टच आपको ऐसे जेंटली वो टच करेगा प्यार से एक जप्पी देगा या आपको ऐसे टच करेगा तो उससे आप पता चल सकता है कि दिस क्रिएचर इज अ अर अब यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है कि ही अ फ्रेंडली टाइप ऑफ अ एनिमल आपने आगे देखा होगा तीन एनिमल्स हमने जो देखे लायन वो क्या करेगा आप पे रोर करेगा टाइगर आपने देखा टाइगर क्या करेगा वो आपको खाने आएगा थर्ड वन क्या था लेपर्ड वो आप पे क्या करेगा पाउंस करेगा या जंप करेगा ठीक है हमको पता ये तीनों वाइल्ड एनिमल्स और वो हमें खाने की या हमें हार्म करने की एक आ, उनकी जो नेचर है वो यहाँ पे बताया वाइल्ड एनिमल का जो नेचर है वो बताया पर यहाँ पे बैर का क्या बताया ये खाने आएगा आपको नो no. ये क्या करने आएगा ये बहुत ही फ्रेंडली बताया यहाँ पे फ्रेंडली टाइप ऑफ थोड़ा माइल्ड कैरेक्टर पता है वो आपको सिर्फ क्या करेगा हग करेगा और अगर आपको और भी ज्यादा डाउट है तो उसका मतलब क्या करेगा वो आपको जेंटली टच करेगा फ्रेंडली टच हम लोग बोलते हैं फ्रेंडली टच करेगा ऐसा तो दिस इज वन एंड दिस इज द बैर अब यहाँ पे पोएट कैरोलिन uh, वेल्स ने तो ये कह दिया कि ये uh, फ्रेंडली है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फ्रेंडली है ठीक है अगर आपके सामने हकीकत में कोई बैर आ जाए तो ऐसा खड़े मत हो जाना कि चलो बैर आ गया तो मैं हक कर लो ऐसा अगर करने गए तो आपको प्रॉब्लम होगा ठीक है ये तो पोएट का जो ओपिनियन था वो उन्होंने रखा है अगर आप खड़े रहे एक हक के लिए तो आपको खा लेगा तो ऐसे हक करने के लिए खड़े मत रहना ठीक है सो डोंट डोंट बी सो इन्फ्लुएंस बाय दिस पोएट के हाँ बैर है हाँ अब वो टेडी बैर आता है सॉफ्ट टॉय वो आपको हक करेगा या आप उसको हक करो वो इसमें चलेगा बट डोंट बी देर अगर आपने ऐसा बैर देखा तो आप सब खड़े मत रहना अगर ऐसे खड़े रहे तो वो तो आप, आपकी लाइफ बहुत डेंजर में हो सकती है ठीक है अभी एक रिसेंटली एक वीडियो क्लिपिंग आया था एक महीने पहले कुछ एक लड़की ऐसे जा रही थी वहां पे एक बैर आ जाता है और बैर के साथ उसने हक किया तो वो वेरी रेयर कैसे ऐसा सब होता है बट डेफिनेटली अर कैन इवन क्या है वो आप पे अटैक भी कर सकता है ओके नेक्स्ट वन अब ये जो स्टांजा है यहाँ पे उन्होंने दो एनिमल्स को बताया दो एनिमल्स अभी तक जो स्टांजा था चार स्टांसा एवरी स्टांसा हैड ओनली वन एनिमल ओके दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे डिस्टिंग बीस्ट ऑफ प्रे और नोविन

बोध द एनिमल्स आर दो टू डिस्टिंग्विश आपको डिस्टिंग्विश करना है किस को बेर्ड्स बीस्ट ऑफ प्रे बीट्स ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को अटैक करते उनको खाने के लिए इफ अ पर्टिकुलर एनिमल अटैक्स अनदर एनिमल फॉर इट्स फूड इट इज कॉल्ड बीट्स ऑफ प्रे इ लायन अ बीस्ट ऑफ प्रे लायन बीस ऑफ प्रे है टाइगर बीच्स ऑफ प्रे है लेपर्ड है बैर है डेफिनेटली ये सब बीस्ट ऑफ प्रे है अब यहाँ पे दूसरे दो बीस्ट ऑफ प्रे दिया है और ये दो बीस्ट ऑफ प्रे कौन कौन से हाइना और क्रोकोडाइल ठीक है अ नोविंस माइट नॉन प्लस नोविंस का मतलब क्या होता है अ न्यू कमर इट्स अ न्यू कमर कोई भी नया काम उसने पहली बार जो करते उसको हम लोग नोविंस no कहते हैं कोई भी नया काम ठीक है एनी न्यू समवन हु इज वेरी न्यू टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब एनी काइंड ऑफ अ जॉब तो उसको हम लोग नोविन्स no कहते हैं और नॉन प्लस का मतलब क्या है कंफ्यूज रहना हम लोग वो वर्ड यूज कर सकते हैं कन्फ्यूशन कन्फ्यूज के लिए हम लोग नॉन प्लस वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज ठीक है अब यहाँ पे कौन कन्फ्यूज है अगर हम लोग बीस्ट ऑफ प्रे हमें डिस्टिंग्विश करना है बीस्ट ऑफ प्रे को ठीक है क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम द हाइना दस दो एनिमल्स की बात कर रहे हैं दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया है क्रोकोडाइल और हाइना तो यहाँ पे हाइना क्या करेगा हाइना में हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स हाइना कैसे आएगा स्माइल करते करते आएगा हाइना क्या करेंगे स्माइल करेंगे पर क्रोकोडाइल्स क्या करेंगे अगर कोई रोता है तो वो कौन हो सकता है वो है क्रोकोडाइल हम लोग बोलते ना मगरमच्छ के आंसू मत निकालो ठीक है तो मगरमच्छ क्या है आ, हम लोग क्या बोलते हैं Uh, सही में नहीं रोता है न वो क्या कहते हैं उसको हाँ यू कैन अंडरस्टैंड मगरमच के आंसू यानी ऐसे ही दिखाने के लिए रोना तो डोंट डू दैट तो हाइनास क्या कम दे विल कम विथ अ स्माइल बट क्रोकोडाइल्स विल वीप तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एनिमल्स ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड नोविंस नोविंस का मतलब क्या है इट इज अम ओके समवन हु इज न्यू टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब एनी काइंड ऑफ अ जॉब कोई भी नया काम कोई भी काम के लिए कोई नया परस, कोई नया भी पर्सन आता है और वो उस काम के लिए वो नया है तो उसको हम लोग बोलेंगे ही इज नोविंस नॉन प्लस का मतलब क्या है कंफ्यूजन ठीक है कंफ्यूज होना अब क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में अगर आपको डिफरेंस uh, पता करना है तो कैसे करोगे हाइना कैसे आएगा मेरी स्माइल्स मेरी स्माइल्स यानी हैप्पी स्माइल्स हैप्पीली वो स्माइल करते आएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो स्माइल कर रहा है तो इसका मतलब ये हाइना है और दूसरा बीस्ट कौन सा है अगर वो रो रहा है तो उसका मतलब क्या है वो क्रोकोडाइल है तो ये फोर ये फाइव और ये सिक्स सो सिक्स एनिमल्स ओके लास्ट आंसर लास्ट आंसर द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हीन एनी यर्स ए टॉल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द केमिलियन यू सी कैरलिन वेल्स अब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने एक एनिमल को इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट एनिमल इज कैमिलियन एट केमिलियन क्या है बहुत ही छोटा एनिमल है इट इज वेरी स्मॉल एंड वो कैसा है इट इज अजार्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग एक लिजार्ड हमारे घर पे होता है मेरे को मालूम है बहुत सारे हम लोग सब डरते हैं से तो एक इट इज सॉर्ट ऑफ अ थिंग ठीक है वो एक लिजार्ट टाइप ता, ऑफ अ थिंग है पर इसके क्या नहीं है वॉट डिस नॉट हैव हैव इट नॉट एनी इयर्स इसके कान नहीं है ठीक है उसको विंग्स भी नहीं है यहाँ पे विंग्स भी नहीं है वो उड़ नहीं पाता है ही कैनॉट फ्लाई एंड इट नॉट हैव एनी Years. इसको years भी नहीं है एंडर दोइ इफ देर इज न ट्री अगर एक ट्री है और ट्री पे कुछ भी नहीं है तो वो क्या है कैमेलियन है ऐसा नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है यहाँ पे दिस एनिमल हैज अपेशल फीचर ये एनिमल जो एनवायरमेंट uh, में होता है वो एनवायरमेंट का वो कलर ले लेता है इट कैन दैट कलर इट कैन चेंज द कलर वो चेंज कर लेगा अगर वो एक ब्रांच uh, पे है एक ट्री पे है और ट्री पे कोई लीव्स नहीं है तो ट्री का कलर क्या है वुड ब्राउन इन कलर तो वो किसका कलर लेगा पूरा वुड का कलर ले लेगा दैट इज वाई यहाँ पे पोएड स्टेलिंग दैट इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री तो आपको वो ऐसा ही लगे अरे ये तो कैमोफ हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दिस इज इज द द द द कैमेलियन एंड इफ इट इट बिटवीन बिटवीन ट्री विल टेक कलर ऑफ द लीव इट इज ग्रीन इट इन चेंजेस इंट ग्रीन इन कलर इट कैन चेंज इट सेल्फ इन टू रेड इन कलर इफ इट इज बिटवीन दैट रेड तो वो कोई भी कलर वो क्या कर सकता है वो कोई भी कलर में इजली अडेप्ट हो जाएगा वो अपने आप को चेंज कर देगा अपने कलर्स को चेंज कर लेगा ताकि उसको जो खाने वाला है या उस पर जो अटैक करने वाला है उसको कोई अटैक नहीं करेगा टी आई एस का मतलब है अंडरस्टूड सो so, यहां पे यू कम अक्रॉस सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अब आपको पता चल गया कि ये कैसे वाइल्ड एनिमल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ओके

केमेलियंस ओरिजिनल कलर ऐसा कोई ओरिजिनल कलर नहीं है कि यही कलर में आता है इट कैन टेक द कलर ऑफ द एरिया वेर इट इज अगर वो ट्री पे है तो ट्री का कलर ले लिया हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि यही उसका फिक्सड uh, कलर है ठीक है क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है चेंज करने के लिए इसीलिए Third stanza fifth line. Third stanza fifth line. It will it will do no good. IT it W I L Okay, let's see the figure of speech. पेंसिल है आपके पास तो ये देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो रहा है तो क्या हो सकता है इट इज कंटिन्यूइंग टू द सेकेंड लाइन विच फिगर ऑफ स्पीच इट कैन बी यस तनिषा मैसेज कर दो मैं आपको ढूंढूंगा एक ही बच्चे ने बोला नहीं यहां पे देखो पंक, कोई पंक्चुएशन मार्क्स है ये फर्स्ट लाइन जहां खत्म होता है वहां पेवर यू शुड गो बाई चांस चांस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स है नहीं है तो क्या हो सकता है दो दो जनों ने जवाब दिया तीन जनों ने वेरी गुड सहर्ष हरजी अजरा एंड धीरज क्या हुआ झील नहीं आ रहा है एनजैबमेंट मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था एनजैबमेंट है ना कोई पंक्चुएशन मार्क्स कंटिन्यू कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते एंड में और वो कंटिन्यू होता है सेकेंड लाइन में तो एनजैबमेंट होता है राइट तो ये फर्स्ट एंसर फर्स्ट लाइन में है सेकेंड लाइन में है थर्ड लाइन तो में देखो एंड इफ देयर शुड टू यू एडवा ओके नाउ लेट सी दिगर ऑफ स्पीच द फर्स्ट लाइन इफ यू एवर शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन दस्ट तो यहाँ पे okay. तो ये दो लाइन को हम लोग साथ में लेते हैं तो यहाँ पे क्या है मैंने आपको समझाया था टू द जंगल्स इन द ईस्ट तो जंगल्स इन द ईस्ट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है इट इज रिप्रेजेंटिंग विच कंट्रीज जंगल्स इन द ईस्ट किसको हाँ एशिया एशिया के कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या एशिया के जंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग जंगल्स ऑफ एशिया that means it is metonymy which figure of speech metonymy okay and if there should to you advance a large and tony beast a large and tony beast maine tony ka matlab aapko bataya ye कौन से animal को represent करता है Large and टॉनी beast. कौन से animal को represent करता है इट इज रिप्रेजेंटिंग द लायन एशिएटिक लायन तो इसलिए वो कौन सा होगा इट इज ऑल्सो मेटरनोमी लिखा और इफ ही रोर सेट यू as you are dying you will know it is the asian lion roar kya ho sakta hai dev roar kya ho sakta hai yes roar matlab मतलब, चिल्लाना सामने वाले का हाँ तो साउंड हुआ ना तो साउंड होता है तो क्या होता हाँ. है साउंड uh, होता है तो डिप्रेशन तो होगा नहीं क्या होता है साउंड व्हेन यू हियर द साउंड व्हाट इज इट सिनीडक नहीं हां सिनीडक तो नहीं सिनीडक नहीं आ रहा है सारे फिगर ऑफ स्पीच भूल के बैठा है पीछे कैसे बैकग्राउंड चेंज करना ये सब अच्छे से आता है क्या हुआ क्या हुआ? हुआ नहीं आता है यस yes, पलक यस yes, सर कौन सा होता है फिग्रो ओनो मेटो साउंड है ना यस पोइया नो ध्यान नहीं दे रहे हो ओके okay. नेक्स्ट उसके अंदर और क्या आ सकता है व्हाट इज द नेक्स्ट वन इफ यू रोर्स एट यू यू एस यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन क्या है दूसरा वर्ड ये यू वर्ड रिपीट हो रहा है तो क्या हो सकता है रिपीटेशन फसोनिफिकेशन कैसा होगा धीरज फसोनिफिकेशन कैसा हो सकता है ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स रोर करना है ना तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता ओके okay? अब नेक्स्ट यहां पर जाए और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू तो क्या है यहां पे और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीट बीस्ट ग्रीट्स यू ग्रीट यस ग्रीट कर रहा है वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट कर रहा है तो ये क्या है पसोनिफिकेशन राइट पसोनिफिकेशन ओके और यहां पे नोबल मैंने आपको समझाया था नोबल क्या है रॉयल ठीक है उसके जस्ट बाजू में कौन सा वर्ड दिया है वाइल्ड रॉयल भी है और वाइल्ड भी है तो क्या है वट इज इट रॉयल यानी येस ऑक्सीमोरॉन ओपोजिट वर्ड है ना रॉयल रॉयल यानी बहुत शानदार और वाइल्ड का मतलब जंगली तो दोनों ओपोजिट को एक साथ दिया है तो वॉट इट विल बी इट इज ऑक्सीमोरॉन और क्या एलिट्रेशन येस yes. जील एलिट्रेशन बोला क्या है आर द वर्ड र इज रोमिंग राउंड दो में रिपीट हो रहा है रोमिंग राउंड इसीलिए एलिट्रेशन नेक्स्ट वन विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड येलो ग्राउंड क्या है ब्लैक स्ट्रिप्स ब्लैक स्ट्रिप्स ऐसे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है किस पे येलो ग्राउंड पे तो येलो ग्राउंड मैंने आपको क्या बताया था इट इज द कलर ऑफ द इट इज द कलर ऑफ द एनिमल है ना तो येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स है इसलिए वहां पे क्या होगा वो क्या बता रहे मेटाफर है इनडायरेक्ट कंपेरिजन दिया है ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येल्लो ग्राउंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येल्लो स्किन ऑफ द एनिमल इसलिए मेटाफर मेटानोमी नहीं है रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना उसके ऊपर है हो गया नेक्स्ट वन जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू क्या हम लोग वहां पे ऐसा खड़े रहेंगे कि आ मेरे को खा ले या हम लोग ऐसे खड़े रह सकते हैं हाँ टाइगर मेरे को खा रहा है हाँ इसका मतलब ये टाइगर है ऐसा हम लोग कर सकते नहीं ऐसा कभी नहीं कर सकते ना पोएट क्या बोल रहा है जस्ट नोटिस इफ ही सीट्स यू आपको ऐसा नोटिस करना है वो आपको खा रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या है बेंगाल टाइगर है तो ऐसा हम लोग कर नहीं सकते तो यहाँ पे क्या है कुछ ऑपोजिट आइडिया बताया है तो कौन सा ऑपोजिट आइडिया है इट इज आयरनी यस सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट वेरी करेक्ट आयरनी दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगाल टाइगर टू डिसन दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगाल टाइगर टू डिसन तो यहां पर क्या है यहां पर एक और है। यहां पर देखो यहां पर लर्न के बाद क्या है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो क्या हो सकता है राइट right? और यहां पर देखो द बेंगाल टाइगर टू डिसन ये ये जो सेंटेंस है वो ऊपर नीचे दिया है जम्बल डप है तो अगर वो जम्बल डप होगा तो क्या होगा हम लोग कौन सा पंक्चुएश ये फि, ये फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है एनेस्ट्रॉफी एनेस्ट्रॉफी हम लोग जब कब यूज करते हैं वेन द वर्ड्स आर जम्बल डप और दूसरा यहाँ पे क्या है लर्न हाँ लर्न और डिसन ये दोनों राइम हो रहा है लर्न और डिसन लर्न और डिसन अगर राइमिंग हो रहा है तो उसका मतलब क्या है इट इज इंटरनल राइम ओके, फिनिश्ड, यस डाइंग और लाइन भी राइम हो रहा है इसलिए डाइंग और लाइन भी क्या हो सकता है इंटरनल राइम फर्स्ट आंसर में Next ans next answer. If a strolling if strolling forth a beast you view, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered. एनस्ट्रॉफी यस एनेस्ट्रॉफी है क्या है इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू यही लाइन में ऊपर नीचे दिया है इसलिए हम, लो हम लोग वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं एनेस्ट्रॉफी आगे हम लोग अगर कैशुअली चले चलेंगे वी विल व्यू अबीस्ट ऐसा आना चाहिए पर यहां पर क्या है अ बीस्ट यू व्यू ऐसा दिया है इसलिए and the next one is whose hide is spots with peppered ऐसा दिया है कि एक डिश के अंदर या हम लोग ऐसे पेपर मिंट कैसे स्प्रे करते उस तरह यहाँ पे कंपेयर किया है इस लेपर्ड को के उसके स्किन पे भी क्या है डॉट्स को ऐसे स्प्रे करके दिया है इसलिए क्या हो सकता है वो मेटाफर हाइड रिप्रेजेंट स्किन हाइड का मीनिंग है स्किन रिप्रेजेंट नहीं करता है हाइड का मीनिंग है स्किन एस उन एस

लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज लेपर्ड यहाँ पे यू यू क्या हुआ है रिपीट हुआ है इसलिए क्या हो सकता है रिपीटेशन क्या हो सकता है एलिट्रेशन ह साउंड इज रिपीटेड इन ही एंड हैस ऑल्सो ल साउंड इज रिपीटेड ले साउंड इज रिपीटेड इन लेफ्ट एंड लेपर्ड एस एंड एस तो हम लोग वहां पे ये एस सुन एस क्या है इट इज अ फ्रेज़ इसलिए हम लोग वहां पे रिपीटेशन नहीं बोलेंगे एस एस वो सब एक फ्रेज है ना एस गुड एस एस बेटर एस ऐसा सब लोग हम लोग यूज करते हैं तो इसलिए वो नहीं हो सकता है रिपीटेशन द लास्ट टू लाइंस इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन यहाँ पे भी रोर तो रोर क्या है रोर विथ पेन ऑनोमोटोपिया राइट यहां पे एक नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया है नो अगर एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है तो क्या होगा लिटोट्स यस यस और यहां पे वापस देख सकते हो लेप और लेप क्या हो गया रिपीटेशन और यहां पे आप देख सकते हो पेन अगेन क्या होता है पेन और अगेन अगर दोनों साथ में दिया है तो इंटरनल राइम ओके कंप्लीटेड

एनएस ट्रॉफी क्यों एनएस ट्रॉफी है क्योंकि ये जो ये दो लाइंस है ये दोनों लाइंस में इन्वर्जन दिया है जम्बल अप है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड वॉकिंग इन योर यार्ड यू विल मीट अ क्रिएचर तो यहाँ पे वो जम्बल अप है इसलिए एनेस्ट्रॉफी नेक्स्ट वन हु हुस यू वेरी वेरी हार्ड हु यू वेरी वेरी हार्ड तो हग करना ये ह्यूमन की क्वालिटी है इट इज द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन तो यहाँ पे कौन हग कर रहा है इट इज द बेयर दैट इज हगिंग तो इसलिए वो क्या होगा पर्सोनिफिकेशन राइट right. और यहां पे एक और वर्ड रिपीट हो रहा है वेरी वेरी तो क्या होगा रिपीटेशन एंड ऑल्सो एच साउंड साउंड इज रिपीटेड ह इन हार्ड एंड हग इसलिए एलिट्रेशन नेक्स्ट वन बी श्योर अ बैर ये दोनों लाइन में नेक्स्ट वन ये ब साउंड भी आप लोग लिख सकते हो एलिट्रेशन में बे बैर, बेर बेर इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस कैरेस का मतलब मैंने आपको समझाया इट इज अ जेंटल टच तो वो क्या क्या हो सकता है इट कैन बी पर्सोनिफिकेशन यस पर्सोनिफिकेशन क्यों पर्सोनिफिकेशन क्योंकि वो एक जेंटल टच देने वाला है वो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पे द वर्ड यू इज रिपीटेड तो क्या हो गया रिपीटेशन एंड गेस का जी और ये गिव का जी गेस तो वो एलिट्रेशन दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अनोविंस माइ नोन प्लस तो यहां पे क्या है टू थिंग्स दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे तो यहां पे फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है सेकेंड लाइन में अ अनोविन माइट नॉन प्लस तो नो न साउंड इज रिपीटेड तो हम लोग वहां पे क्या लिख सकते हैं एलिट्रेशन और दो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बीस्ट ऑफ प्रे और नोविन माइट नॉन प्लस तो इसमें जो गैस इज अन क्वालिटी यस गैस करना ह्यूमन क्वालिटी है तो ये आई गैस कौन है यहां पे आई गेस्ट पोएट के बारे में बता रहा है पोएट बोल रहा है इफ यू हैव एनी डाउट अगर आपको कोई डाउट है तो को, मैं ऐसा गैस कर रही हूं कि वो क्या करेगा वो आपको धीरे से टच करेगा ठीक है तो यहाँ पे वो क्या है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है इट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर सो इफ इट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर इट इज एनेस्ट्रोफी और यहाँ पे बी स्टॉप प्रे के बाद कोई ये नहीं दिया है तो वो यहां पे एंजैबमेंट यहां पे भी एंजैबमेंट यहां पे भी एंजैबमेंट है द क्रोकोडाइल यू विल ऑल द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज may टेल द hyena दस तो यहां पे भी एनेस्ट्रोफी है

हाइनास को स्माइल करते हुए दिया है अगर हाइनास स्माइल करेंगे और क्रोकोडाइल स्वीप करेंगे ये दोनों किसकी क्वालिटी है ह्यूमन की क्वालिटी इसलिए वो क्या है पसोनिफिकेशन और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है स्माइल भी कर रहे है वीप भी कर रहे हैं स्माइल और वीप, दोनों क्या है ओपोजिट्स है तो दोनों ओपोजिट है तो कौन सा वाला लगेगा ऑक्सीमोरम आयरनी दूसरा कौन सा आता है एंथीसिस वेरी गुड और यहाँ पे भी एक चीज में भूल गया ये स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स दोनों राइम कर रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा इंटरनल राइम यहाँ पे भी एक चीज रह गई गेस और कैरस तो वो भी इंटरनल राइम हुआ और यहाँ पे देर इज इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल के, uh, हाइनास क्या करेगा रोए uh, हसेगा और uh, ये क्रोकोडाइल क्या करेगा वीप करेगा वो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया है वहां पे तो वहां पे मेटाफेन देयर इज ट्रांसफर एपिथेट ये जो मेरी है मेरी एम ई डबल आर वाई मेरी यहाँ पे कौन मेरी है हाइना मेरी है ठीक है तो वो मेरी जो एडजेक्टिव है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया स्माइल्स के पास तो इसलिए वो क्या हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट ओके नेक्स्ट वन द ट्रूम कैमेलियन इज स्मॉल और लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग तो कैमेलियन को किसके साथ कंपेयर किया है लिज़र्ड के साथ सो इट इज मेटाफा एंड यू कैन सी अ स्मॉल का एस जो है वो एलिट्रेशन स्मॉल सॉट he hasn't any ears at all he hasn't any ears at all तो यहाँ पे क्या है Yes, सिनेडकी hasn't hasn't में आपने देख ध्यान से देखोगे तो has not दिया एंड नोटी नॉट तो नेगेटिव वर्ड है आया है तो नेगेटिव वर्ड होगा तो क्या होगा लिटोट्स नेक्स्ट वन एंड नॉट अ सिंगल विंग तो इसके अंदर भी क्या है नॉट वर्ड दिया है तो लिटोट्स यहां पे विंग यहां पे विंग की बात कही है तो विंग इज अ पार्ट तो क्या होगा सिनेडकी इफ there इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द chameleon यू सी नथिंग वापिस क्या हो गया लिटोट्स ट्री और सी रिपीट हो रहा है सॉरी राइम हो रहा है ट्री और सी तो इंटरनल राइम विंग और नथिंग विंग और नथिंग विंग और नथिंग में क्या है विंग और नथिंग में कुछ नहीं है रोहन फिर आप यहां पे देखोगे ध ध टी एच साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है तो हम लोग एलिट्रेशन लिख सकते हैं ओके okay? ठीक है नाउ फिनिश अब आप राइमिंग पैटर्न सब में एक ही है शायद चांस एडवांस तो हम इसको क्या लिखेंगे ए कैन राइट ए देर ईस्ट बीस्ट तो क्या लिखोगे बी डाइंग लाइंग तो क्या होगा सी तो क्या हो गया आपका राइमिंग ए बी ए बी सी सी ठीक है वही यहां पे भी देखते सेकेंड स्टर में राउंड ग्राउंड तो हम लोग ए लिखेंगे यू यू बी आ गया लर्न ड सर्न सी आ गया तो पूरे पोयम में मेरे को लगता है it is a b a b c c okay find out the different enjamments. yes the sir last parameter nothing can you internal time विंग और नथिंग का विंग और नथिंग दोनों अलग अलग है ना बेटा इंटरनल लाइम लास्ट आंसर के अंदर आप ध्यान दो तो वो लास्ट आंसर में हम लोग वो विंग वाला एक अलग लाइन है एंड नॉट अ सिंगल विंग वो एक ही लाइन है नथिंग तो दूसरी लाइन हाँ. में जा रहा है इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द केमेलियन यू सी ये दो साथ में देंगे तो नथिंग yes. में आ गया। अगर वो दोनों okay. साथ में देंगे तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनल राइम। अगर वो दोनों साथ में नहीं है तो कैसे होगा ओके सर थैंक यू हाँ एनीबडी एल्स समझ में आ गया ओके okay.